तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाता कि फॉर्म 47 हम लोग फॉर्म 45 की बेस पर हम लड़ेंगे और हम नहीं उनको हल्फ लेने देंगे जिन्हें अब जिन्हें सो कॉल्ड हम मुंतखब किया गया जो कि सिलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोग नहीं है। जबकि फॉर्म 45 पे जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी लीड में पाकिस्तान तरीके साहब जीत चुकी है और उन्होंने उनको वो चेंज कर कर और किस तरह गुंडे अंदाज में इन्होंने नतीजे तब्दील करने की कोशिश की। अब कौम अवाम खुद अपने वोट की तहफ़ के लिए निकली है। एहतजाज जैसे आपको पता है कि पेशावर के अवाम ने पूरे पाकिस्तान में जिस तरह और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में और फिर बिलखसूस पेशावर की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता और नामजद करदा जो उम्मीदवारान थे उनके हक़ में 8 फरवरी को भरपूर तरीके से एतमाद का इजहार किया है और उनके रिजल्ट्स के ऊपर जिस तरीके से रात के अंधेरे में जो पेशावर के DROs डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वज़ीर और उनकी पूरी टीम ADC सानिया साफ़ी उनके AROs उनके ROs और उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में डाका डाला है उसके ख़िलाफ़ हम निकले हैं।